ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। हम पंचमुखी हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पंचमुखी हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। काज संवारन को ही हनुमत वाए हैं। 14 बरस वनवास को सीता राम लखन जब आए, रावण ने छल करके माँ सीता को लिया उठाए। सिया खोज में राम लखन जब वन वन घूम रहे, खोजते खोजते किष्किंधा पर्वत की ओर गए। वानर राज सुग्रीव देख उनको घबराते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का के आए। दूत भेज कर मेरा वध वो करवाना चाहे, कहने लगे सुग्रीव उन्हें ये अपने पास बुलाकर। घूम रहे अनजान दुयोद्धा तपस्वी वेश बनाकर, तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास जाओ। क्या बाली के दूत है दोनों पता लगा कर आओ। हनुमान ने फिर तो अपना ब्राह्मण वेश बनाया, राम लखन दोनों भाई हैं सच का पता लगाया। श्री राम सुग्रीव मित्रता वही कराते हैं। कावध कर देते हैं फिर भक्तों रघुराई। माँ सीता को खोजने की फिर सबने की तैयारी। वानर राज सुग्रीव के साथ में वानर सेना सारी।
किंतु सोयोजन का सागर राह में आया है। लांग सके हनुमान जामवंत ने बताया है। भूल गए थे बल अपना जो उनको याद कराया, अपने प्रभु के श्री चरणों में उन्होंने शीश झुकाया। सोयोजन का सागर पल में लांग ही जाते हैं। के प्रभु नाम अशोक वाटिका में पहुँचे हैं राम दूत हनुमान। श्री राम की मुद्रिका साथ में लेकर जो आए, माँ सीता के सामने उसको हनुमान है गिराए। देख मुद्रिका श्री राम की माता हर्षाई, रावण की कोई चाल है ये सोच के घबराई। अपने प्रभु की देख निशानी आंसू छलकवाए, कहने लगी यदि राम दूत हो सामने आ जाए। आकर के माता सीता को शीश झुकाते हैं। की धीर बंधाई है, बोले माता श्री राम अब शीघ्र ही आएंगे, इस पापी की कैद से आपको मुक्त कराएंगे। आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़े फल खाता हूँ, भूख लगी है मुझको अपनी भूख मिटाता हूँ। माँ की आज्ञा लेकर हनुमत फल जो लगे खाने, पहरेदार थे बाग में दानव उनको लगे भगाने। मार मार के हनुमान सबको ही भगाते हैं। वाटिका में आया एक बड़ा उत्पाती वानर, सारा बाग उजाड़ दिया और फल भी खाए हैं। गए रोकने जो हम भी सब मार भगाए हैं। अपने पुत्र अक्षय कुमार को रावण ने कहा है, जाकर देखो तुम अक्षय वो वानर कौन सा है। रावण पुत्र अक्षय कुमार है अशोक वाटिकाए, राम दूत हनुमान से किंतु जीत नहीं पाए।
अक्षय कुमार को भी युद्ध में वो मार गिराते हैं। कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कथा सुनाते हैं, ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का खबर जो रावण ने वो क्रोधित बड़ा हुआ, पुत्र मेघनाथ को उन्होंने है आदेश दिया। कौन है उत्पाती वो वानर, उसको मजा चखाओ, मृत्यु दंड दो जाकर या फिर जीवित पकड़ के लाओ। मेघनाथ फिर बड़ा ही क्रोधित होकर के आया, किंतु युद्ध में हनुमान को हरा नहीं पाया। ब्रह्मपाश फिर हनुमान पर उसने छोड़ दिया, ब्रह्मपाश में हनुमान ने खुद को बांध लिया। ब्रह्मा जी का मान यहाँ हनुमान बढ़ाते हैं। बंदी हनुमान को मेघनाथ लाए, क्रोध देख रावण का हनुमत तनिक न घबराए। मृत्यु दंड जो रावण ने उन्हें देना चाहा है, युद्ध नीति के विरुद्ध विभीषण ने बतलाया है। रावण ने फिर उनके लिए है ऐसी सजा सुनाई, हनुमान की पूंछ में तो फिर आग है लगवाई। हनुमान की पूंछ तो भक्तों ना जल पाई है, घूम घूम कर उन्होंने सारी लंका जलाई है। फिर सागर में जाकर अपनी पूंछ बुझाते हैं। के पास में फिर से हनुमान आए, बोले मैंने रावण की लंका को दिया जलाए। सुनकर के माता सीता भी बड़ी हर्षाई है, अपनी चूड़ा मणि निशानी उन्हें थमाई है। कहने लगी के मेरे प्रभु श्री राम को दे देना, अपना सहन विरहा होती है इतना भी उन्हें कहना। लेकर आज्ञा माता से वो लौट के हैं आए, देख के चूड़ा मणि सिया की राम है हर्षाए। हनुमान को बड़े प्रेम से गले लगाते हैं।
समझाया, पर रावण ने उनको भी तो मार के लात भगाया। प्रभु राम की शरण विभीषण ने आकर ली है, विनाश काले विपरीत बुद्धि रावण की हुई है। फिर सागर पर सेतु वानर सेना ने बनवाया, शायद काल निकट रावण का अब तो है आया। वानर सेना सहित राम ने लंका करी चढ़ाई, दोनों ही पक्षों में हुई है फिर तो घोर लड़ाई। अनेकों ही योद्धा रावण के मारे जाते हैं, रावण की याद से फिर आई। पाताल लोक से यही रावण को उसने बुलवाया, राम और रावण युद्ध का है फिर सारा हाल बताया। अही रावण भक्ति करता था काल भैरवी की, बड़ा ही बलशाली दानव और बड़ा ही मायावी। अपनी माया का उसने है ऐसा जाल रचाया, रात को चुपके से है वो श्री राम शिविर में आया। राम और लक्ष्मण सोए हुए उसको मिल जाते हैं, का करके हरण पाताल मिलाया है। उठ गए योद्धा सारे भक्तों जब है भोर भई, देखा उन्होंने शिविर में लक्ष्मण और राम नहीं। हनुमान जी और सुग्रीव को चिंता बड़ी हुई, श्री राम और लखन बिना अब होगा युद्ध नहीं। जामवंत लेके विभीषण के पास आते हैं, अही रावण की होगी चाल वो उन्हें बताते हैं। पाताल लोक में हनुमान फिर तो चले जाते हैं, सारा भेद बता। अही रावण तो काल भैरवी की पूजा करता, जिनके चरणों में है उसने दीपक पांच जलाए, और उन्हीं पांचों दीपों में उसके प्राण समाए। पांचों ही दीपों को जो एक साथ बुझाएगा, अही रावण
रावण का वध भी वही योद्धा कर पाएगा। हनुमान ने अही रावण का भेद है जान लिया, प्रस्थान पाताल लोक को तब ही तो है किया। मकर ध्वज थे पहरे पर हनुमान जो आते हैं, बिना नहीं तुम जा सकते भीतर। हनुमान ने पहले तो उन्हें बड़ा ही समझाया, ना माने तो हनुमान ने अपना बल आजमाया। मकर ध्वज और हनुमान में भारी युद्ध हुआ, किंतु उन दोनों में से न कोई भी जीत सका। लगे पूछने मकर ध्वज से बजरंगी हनुमान, अपना परिचय मुझे बताओ कौन हो तुम बलवान। हनुमान का पुत्र मकर ध्वज खुद को बताते हैं, बातों पर उन्हें यकीन नहीं आया। कहने लगे कि बाल ब्रह्मचारी है सदा हनुमान, फिर कैसे हो सकती है भला उनकी कोई संतान। बोले मकर ध्वज लंका जला कर जब वो आए थे, सागर तट पर आकर अपनी पूछ बुझाए थे। हनुमान के पसीने की सागर में बूंद गिरी, उसी बूंद को सागर की एक मछली निगल गई। उसी बूंद से उत्पन्न हुआ था राज बताते हैं, पिता। मकर ध्वज ने उनके चरणों में शीश झुकाया, मायावी अहि रावण का भी सारा वेद बताया। अहि रावण ही राम लखन को हर के लाया है, सब कुछ वही बताया विभीषण जो बतलाया है। पांच दीप हैं काल भैरवी के चरणों में जलते, अहि रावण के प्राण है पांचों दीपों में बसते। होगा अंत जो पांचों एक साथ बुझ जाते हैं, कैसे पंचमुखी अवतार में हनुमत
की माया का सब भेद जानना चाहा। राम लक्ष्मण की वो बलि चढ़ाना चाहता है, पूजा करके काल भैरवी माँ को बुलाता है। काल भैरवी की मूर्ति के पीछे छुपे हनुमान, अहिरावण और बाकी दैत्य ना भेद सके हैं जान। करके पूजा काल भैरवी को जो प्रसाद चढ़ाए, चुपके से हनुमान उठाकर उसको खाते जाए। पीछे छुपे हुए हनुमान वो जान न पाते हैं। तार लिया पांचों ही दीपों को है एक साथ में बुझा दिया। अहिरावण ने अपनी सारी शक्ति गंवाई है, फिर हनुमान के हाथों उनकी मृत्यु आई है। अहिरावण का वध करने पंचमुखी रूप बनाया एक साथ में, ताकि पांचों दीपों को जाए बुझाया। राम लखन को है फिर अपने कांधे पर बिठाए, पाताल लोक से राम लखन को लेकर के आए। ऐसे सेवक श्री राम के माने जाते हैं। करना था उनको संहार, अपनी भुजाओं के बल पर वो बड़ा इतराता था। वो ही भुजा उखाड़ी जिससे बलि चढ़ाता था। हनुमान सा राम भक्त अब तक कोई नहीं हुआ है, पंचमुखी अवतार इन्होंने उन्हीं के लिए लिया है। श्री राम के नाम का होता जहाँ भक्तों गुणगान, कहते हैं कि अवश्य ही आते हैं वहाँ हनुमान। राम नाम के कीर्तन में ये स्वयं चले आते